मुझे शीघ्र ही उनके समीप जाना होगा, कहीं सर्प को कोई क्षति ना पहुंच जाए। चितांतक, मित्रता का अपमान करना अधर्म होता है। इस सर्प को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुमने सुना क्यों नहीं? हमको लगा कि गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु अपने साथियों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। प्रणाम महाबली हनुमान, ये मेरा मित्र जीतांतक है और ये मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, अपितु इसने तो मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं नागराज पंचफन का पुत्र भूषण हूँ। हमारे नागवंश पे संकट के काले बादल छा गए हैं और गरुड़ों पर भी भारी आपदा आने वाली है। नागवंश पर संकट, गरुड़ों पर भारी आपदा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आज मैं पिताजी के साथ भ्रमण पर निकला था। गरुड़ राज जटायु यहाँ? आपके आगमन का कारण चाहे जो भी हो, मित्र का दर्शन सदैव सुखदायी होते हैं। आइए मित्रवर, आइए, स्वागत है आपका। पिताजी, छोड़ दो पिताजी को। क्या कर रहे हैं मित्र? ये छल है मित्र, मित्र अच्छा नहीं हो रहा है मित्र। पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज जटायु। ये आप क्या कर रहे हैं जटायु? ये अधर्म है, ये छल है। छलावा थी ये मित्रता। ये गरुड़ कभी हम नागों के मित्र हो ही नहीं सकते। इन पर कभी हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मेघासुर ठीक कहता है, इन गरुड़ों के सर्वनाश में ही हमारा हित है। मित्र वेश में आकर शत्रु ने हमारे ही महाराज का अपहरण कर लिया। अब हमारी रक्षा केवल और केवल मेघासुर ही कर सकता है। चलो। हमने जटायु को रोकने की भरपूर चेष्टा की, पता नहीं वो पिताजी को लेकर कहां चले गए। और उसके बाद मैंने ये सब अपनी दादी माँ को बताया। विश्वास नहीं होता, जटायु ने मित्रता का प्रपंच करके हमसे छल किया है। मैंने स्वयं जटायु को पिताजी को ले जाते हुए देखा है दादी माँ। नागों में रोष व्याप्त थे और उन्हें विश्वास है कि केवल मेघासुर ही पिताजी को वापस ला सकता है। उन्होंने तो मेघासुर को कारावास से मुक्त भी कर दिया। मेघासुर, वो कपटी कुटिल नाग हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पुत्र, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए तुमने जो देखा उसे पूर्ण सत्य मत मानो। प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। मेघासुर को मुक्त करना बहुत बड़ी भूल है। Thank you.
विस्तर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं, मेघासुर हूं मैं, सुर हूं मैं, मेघासुर हूं मैं, मेघासुर हूं मैं, संहार करूंगा उन छली गरुड़ों का जिन्होंने महाराज पंचभन का अपहरण किया है, उद्धार करूंगा संपूर्ण नागवंश का, मेरे बल से नागों का सम्मान स्थापित होगा। मेघासुर की जय, मेघासुर की जय, मेघासुर की जय, मेघासुर की जय। गरुड़ों का महाविनाश कर खग विद्या का रहस्य प्राप्त करूंगा। अब हम नाग भी आकाश में उड़ान भरेंगे। विष्णु की शैया है हम, महादेव के तन का आभूषण है, फिर क्यों युगो युगो से हम तिरस्कृत और वंचित हैं? क्यों सदैव हमारे साथ छल किया जाता है? अमृत मंथन में हमने सहयोग दिया, पर क्या हमें अमृत प्राप्त हुआ? नहीं, वहां भी हमें छला गया, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विष्टर विकराल हूं मैं, असुरों का असुर मेघासुर हूं मैं। अब जो भी हम नागों से शत्रुता करेगा उसे हमारे बल का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम कपटी गरुड़ों का महाविनाश करेंगे, महाराज पंचभन को मुक्त कराएंगे, महायुद्ध करेंगे हम नाग, महायुद्ध करेंगे। हा हा, महायुद्ध करेंगे हम, महायुद्ध करेंगे हम, महायुद्ध करेंगे हम। गरुड़ों का महाविनाश होगा, नागवंश की, नागवंश की, मेघासुर की, मेघासुर की। मोहित कर रहा है। पुत्र, पुत्र अपनी आंखें बंद कर लो। अब ये सब मेरे वश में है। सब अपने अपने शीश झुकाओ। अब सब अपने अपने शस्त्र उठाओ। स्वयं पर प्रहार करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। किसी का भी वध करेंगे, अपना, अपने परिवार का। अब गरुड़ों से युद्ध करने में अत्यंत आनंद आएगा। शीघ्र जाओ पुत्र भूषण, और जाके गरुड़ों को सूचित करो कि नाग उनसे युद्ध करने के लिए आतुर है। और यदि जटायु से तुम्हारी भेंट होती है तो उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे पिताश्री को मुक्त कर दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। किसी भी प्रकार हमें इस युद्ध को रोकना है। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा दादी माँ। मैं जब गरुड़ों को सूचित करने गया तब गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी हत्या करने की चेष्टा की। यदि मेरा मित्र जीतांतक ना होता तो वो तो मेरा वध ही कर देते। कल संध्या तक तो हम सब ने जटायु जी और पंचभन जी के मध्य मित्रता देखी, फिर ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? मित्र, यदि ये युद्ध हो गया तो अनेक प्राणी हताहत होंगे, करोड़ों और नागों को भी भारी क्षति पहुंचेगी। हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो।
मुझे माता पिता की आज्ञा लेनी होगी कि मैं तुम दोनों के साथ जा रहा हूँ। किसी भी स्थिति में हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। हाँ हाँ, हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। मेघासुर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। सबको पूर्ण विश्वास हो गया है कि पंच फन का अपहरण जटायु ने ही किया है। किंतु मेघासुर, तुम उस जटायु से सावधान रहना। उससे युद्ध करना बहुत कठिन है। तुमने अपना कार्य कर दिया है मित्र कालनेमी। अब जटायु को परास्त करना मेरा काम है, मैं कर लूंगा। परंतु एक बात बताओ, तुम इतनी सहजता से वेश कैसे बदल लेते? मैं लंकेश दशानन रावण का सेवक, कुछ भी कर सकता हूं मेघासुर। जटायु बनकर पंच फन का अपहरण किया और नाग बनकर तुम्हें मुक्त कराने का आह्वान किया। मेघासुर, यदि तुमने गरुड़ों के उड़ने की खग विद्या का रहस्य चलाकर लंकेश रावण को प्रसन्न कर दिया तो तुम्हें भी अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। खग विद्या का रहस्य महाराज रावण को अवश्य प्राप्त होगा, ये वचन है मेरा। परंतु एक बात बताओ, पंचफन को कहां छुपा रखा है तुमने? मेघासुर, उचित समय आने पर तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा। परंतु अभी इस समय मैं तुम्हारे साथ एक नाग के भेष में रहूंगा। अवश्य रहो, परंतु किसी को भी तुम पर संदेह ना हो पाए, इसलिए अन्य नागों के समान मेरे आदेशों का पालन करते रहना। ठीक है मेघासुर। यदि यही युद्ध आरंभ हो गया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु महाराज, हमने जटायु के राजकाज में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। संभव है हमारे जाने से उनको अपमान का अनुभव हो और हमसे शत्रुता कर ले, तब हमारी सेना को हथियार उठाने पड़ेंगे। और इस युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैल जाएगी। महाराज, ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा। वाली जी जब से तपस्या करके लौट के आए हैं और भी दम्भी हो गए हैं। हनुमान महानायक के चुनाव के लिए इनकी प्रतीक्षा करने के इच्छुक थे। अच्छा हुआ ये यहाँ नहीं था। देखना, अब सब हनुमान को ही महानायक चुनेंगे। भागो भागो, उसके समक्ष गए तो वो हमें हमलोग की यात्रा करा देंगे। शीघ्र दूर हो जाओ इनकी दृष्टि से। भागो भागो। सही कहता था रावण, ये हनुमान बहुत ही धूर्त है, नहीं तो महानायक का चुनाव मेरी अनुपस्थिति में ही क्यों किया गया। अवश्य
अवश्य ही ये हनुमान और उसके पिता केसरी का ही षड्यंत्र था। अभी जाकर पूछता हूँ केसरी से, ऐसा पाठ सिखाऊंगा कि पुनः कभी मेरी हेठी करने का साहस ना कर सके। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। नहीं हनुमान, तुम अभी एक विकट परिस्थिति का सामना कर कर आए हो, मैं तुम्हें एक नए संकट का सामना करने नहीं जाने दूंगी। अब मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है, सुमेरु पहुंच कर हनुमान को पकड़ना। नहीं अंजना, हनुमान ठीक कह रहा है। यदि इस युद्ध को रोकने में कोई सक्षम है तो वो है हनुमान। सुमेरु पहुंच कर उस मरकट को दिखाता हूं बाली महान दम ने क्या शक्ति अर्जित की है। पिताश्री प्रणाम। चलो मित्रों। हनुमान, मरकट तेरे विनाश की प्रतीक्षा कर रहा है बाली। महानायक हनुमान, उस उपाधि के योग्य तू नहीं, मैं हूं महानतम बाली। पुत्र बाली, स्वागत है, आओ पुत्र। इतने समय पश्चात तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रणाम महाराज केसरी जी। पुत्र, हनुमान भी अत्यंत उत्साहित था तुमसे मिलने के लिए। यदि कुछ क्षण पूर्व आते तो उससे भी भेंट हो जाती, अभी गया है। हनुमान, 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 थक गया हूँ ये नाम सुन सुन कर। और केसरी, आप कितना भी हनुमान का गुणगान कर लें, अब हर कार्य में विजेता हनुमान नहीं बाली महानतम होगा। प्रतीत होता है यही है करुण राज। कहाँ है वो? वाली, गरुड़ों और नागों के बीच में
युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हनुमान उसे रोकने गरुण राज्य गया है। हनुमान को इस युद्ध के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? मैं सदैव हनुमान की सफलता की कामना करता हूं। हनुमान, हम गरुण राज्य पहुंचने वाले हैं। के वीर गरुण सैनिकों, यूं तो नागों से सौहार्द बनाए रखने के लिए हमने उनसे संधि कर ली थी, किंतु हमारे राज्य में पुनः नागों ने अवैध रूप से प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। मैं गरुण राज्य का सेनापति चित्रकेतु आप सभी को सतर्कता पूर्वक गरुण राज्य में निगरानी करने का आदेश देता हूं। हम नागों को अपने राज्य में नहीं आने देंगे। ये धूर्त नाग हमारे अंडज और संतानों के लिए काल समान हैं। कुछ समय पूर्व ही दो नागों ने हमारे राज्य में प्रवेश करने का प्रयास किया था। स्मरण रहे, यदि कहीं भी किसी को भी कोई नाग दिखाई दे तो शीघ्र ही सांकेतिक ध्वनि उत्पन्न करके संपूर्ण राज्य को सतर्क करें, जिससे हम सब मिलके उस नाग का नाश कर सकें। नागभूषण, हनुमान जिसके साथ हो उसे तो कोई भय हो ही नहीं सकता। भयमुक्त रहो मित्रों, सब कुशल ही होगा। हनुमान, ये गरुण महाद्वार है, यहीं से आरंभ होता है गरुण राज्य। इतने मनोरम झरने, फलों से लदे वृक्ष, जितान तक तुम्हारा गरुड़ राज तो बहुत ही सुंदर है। आहा घोसले, और अंडज भी है, और छोटे छोटे गरुड़ भी हैं उनमें। इन्हें हुआ क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? किसी संकट के संकेत तो नहीं है ये?
हनुमान, हमें शीघ्र चलना होगा। हमें अविलंब महाराज जटायु से मिलना चाहिए। हनुमान, कहीं ये गरुड़ मुझ पे आक्रमण ना कर दे। तुम चिंता मत करो नागभूषण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, केवल मुझे छोड़ना मत। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। सुमेरु में भी मरकट हनुमान मुझे मिल नहीं पाया, बच गया वो मुझ महानतम से। दुख हुआ मुझे, किंतु इन जयकारों ने उस दुख को भुला दिया, प्रसन्न कर दिया महानतम वाली को। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। पुत्र वाली, मेरा पुत्र वाली, समस्त किष्किंधा स्वागत करता है अपने तेजस्वी युवराज वाली का, अपने पिता का, इस किष्किंधा का और संपूर्ण वानर कुल का गौरव बनो पुत्र। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। किष्किंधा युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। कह लो युवराज, कह लो आज शीघ्र ही तुम सब मुझ महानतम को महाराज भी कहोगे। महाराज वाली, हमें शीघ्र ही चलना होगा, हमें महाराज जटायु से मिलना होगा। गरुड़ सैनिक, ये गरुड़ बाली भैया आप आ गए। भैया आपके बिना तो जीवन जैसे सूना हो गया था। भैया मुझे विश्वास है कि आपने वरदान प्राप्त कर ही लिया होगा। पुत्र वाली, तुम्हारी सफलता ही हमारा गौरव है। बताओ पुत्र, तपोफल के उपरांत कौन सा कल्याणकारी वर प्राप्त किया है तुमने? पिताश्री, आपके इस पुत्र ने जो पाया है वरदान में, वो कदाचित ही किसी ने प्राप्त किया होगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। शीघ्र ही सबको ज्ञात हो जाएगा। उचित है पुत्र, तो फिर तुम स्वयं ही सबके समक्ष अपने इस अभूतपूर्व उपलब्धि का बखान करना। सबके समक्ष अर्थात? पुत्र, हमारे वनवासी प्रजातियों के समस्त राज्यों के राजाओं की एक महासभा के आयोजन का विचार है, जिससे हम एकजुट होकर इन मायावी असुरों के विरुद्ध एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सके। और वैसे भी पुत्र, मैं कब तक इस वनवासी संघ का मुखिया बना रहूंगा? इस सभा में हम अपने एक नए प्रमुख का चुनाव भी कर सकेंगे। वनवासी संघ के एक नए नायक का उदय होगा इस महासभा में। नए नायक का उदय होगा नहीं पिताश्री, उदय हो चुका है। अब तुम तपस्या के पश्चात वापस आ गए हो पुत्र, तो मैं समस्त राज्यों के राजाओं को आमंत्रण भेज देता हूँ। उचित है पिताश्री, शीघ्र ही सबको आमंत्रण भेज दीजिए। सबको भी ज्ञात हो जाएगा कि वाली क्या है। और एक बात जो तुम्हें ज्ञात नहीं है पुत्र, मैं सुमेरु में ही एक नए नायक का चुनाव करवाने वाला था, और सभी सुमेरु के युवराज हनुमान के पक्ष में सहमत भी थे।
किंतु इस बड़े हृदय वाले हनुमान ने समस्त राज्यों के सम्राट बनने हेतु तुम्हारे नाम का पक्ष लिया। वाली सर्वसमर्थ है, सम्राट बनने योग्य मात्र एक ही है, ये महानतम वाली। मेरा नाम सुझाने के लिए मुझ महानतम को कोई आवश्यकता नहीं है, उस मरकट के समर्थन की। ये इस प्रकार हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हम तो नागों से शत्रुता भूले बैठे थे, किंतु धूर्त नाग कभी सीधी चाल नहीं चलते। पुनः शत्रुता का काम किया है नागों ने। वानर, तुमने इस नाग बालक को गरुड़लोक में लाकर इसके प्राणों को संकट में डाल दिया है। रुक जाइए, मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ, और मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, किंतु मैं तो शांति का संदेश लेकर आया हूँ। शांति का संदेश इन नागों के साथ? असंभव। आप सब पीछे हट जाइए। नागभूषण, मेरे पीछे आओ। सेनापति चित्रकेतु, आप यहाँ? यही था वो नाग बालक जिसने कुछ समय पूर्व हमारे राज्य में प्रवेश किया था। अंत कर दो इसका। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सुनेंगे तुम्हारी बात भी वानर बालक, किंतु इसका वध करने के पश्चात। देखिए, मैं कह रहा हूँ, रुक जाइए। वानर बालक, छोड़ दो इनके अस्त्र। किसी भी प्रकार की हिंसा करने नहीं आए हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हनुमान, छोड़ दीजिए हनुमान को। मार दो इसे, अंत कर दो इस नाग बालक का। भागो मित्र। भूषण, तुम मेरे साथ ही भागो, मैं तुम्हें बाहर निकलने का मार्ग दिखाऊंगा। मित्र, मित्र बचाओ मुझे, मित्र मुझे सुरक्षित निकालो यहाँ से, मित्र शीघ्र चलो। अब तो हनुमान भी नहीं, ना जाने हमारी रक्षा कौन करेगा। अब क्या होगा जीतान तक? नहीं बच पाऊंगा मैं। नाग बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब बस भी कीजिए गरुड़ जी, और कितनी दूर उड़ाते हुए ले जाएंगे आप हनुमान को।
जटायु मुझे जानते हैं, मुझे उनसे मिलने दीजिए। गरुड़ राज्य में एक नाग को लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने हनुमान। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाकर गिराऊंगा जहाँ से तुम लौट कर नहीं आ पाओगे, और तुम्हारे उस मित्र नाग को मैं कदापि महाराज जटायु से नहीं मिलने दूंगा। क्षमा कीजिए गरुड़ जी, आपकी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हनुमान को महाराज जटायु से मिलना है, अब आप हनुमान को अधिक दूर नहीं ले जा पाएंगे। जो उड़ते हैं लेके गिर को, चित्र के तुले उड़ता उनको, यही सरलता है मारुति की, भोले भाले के सरी सुत की। महापर्वताकार कभी हैं, तृण समभार विहीन कभी हैं, जस लीला तस रूप धरे हैं, आंजनेय कल्याण करे हैं। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये वानर तो मायावी है, देह का आकार बढ़ा रहा है। अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आप हनुमान को यहाँ तक ले आए, अब आपको ही हनुमान के साथ चलना होगा। बच के नहीं जा सकते नाग बालक, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मारो इसे। नहीं, इसे छोड़ दो, ये मित्र है मेरा, ये किसी का शत्रु नहीं, ना ही इसने यहाँ कोई संकट उत्पन्न किया है। गरुड़ होकर नाग का पक्ष लेते हो, अभी बताता हूँ इसे। नहीं, नहीं मत करो ऐसा। हनुमान, हनुमान भैया आप आ गए। मित्र हनुमान, बचाओ मुझे। हनुमान लीजिए, मुक्त किया आपको। जय की। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जटायु। वाली, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है, तुमने अपनी तपस्या को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। वाली, तुम्हारे बिना ये राजभवन, सारा किष्किंधा बहुत ही सूना प्रतीत होता था हम सबको और समस्त किष्किंधा को। तुमसे बड़ी आशाएं हैं पुत्र। अपने होने वाले राजा से आशाएं नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र, तुम शीघ्र ही योग्य हो जाओ और अपने पिताश्री के राजकाज में उनका हाथ बटाओ, उनकी सहायता करो। सहायता तो करेगा ही ये महानतम, सारे राजकाज में हाथ बटाएगा ही नहीं, उन्हें
राजकाज से मुक्त भी कर देगा ये महानतम वाली। समय आ गया है समस्त राजाओं की सभा बुलाने का। सबको मुझ महानतम वाली की अधीनता स्वीकार करने का। शीघ्र होंगे समस्त राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन। सभी के राज मुकुट झुके होंगे मेरे चरणों में। मुझ महानतम वाली के चरणों में। आपके पिता वृद्ध, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम वाली का अधिकार है। लंकेश रावण, आपका कथन सत्य होगा। शीघ्र ही होगी महानतम वाली के राज्य की स्थापना। केसरी नंदन हनुमान, गरुण राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जटायु। आपके आने से पूर्व आपके सेनापति जी और आपके सैनिक मेरा स्वागत कर चुके हैं। आपके सेनापति जी मुझे पूरे गरुड़ राज्य का भ्रमण करा चुके हैं और आपके सैनिक मेरे मित्र को भी पूरा गरुड़ राज्य दिखा चुके हैं। ये नाग बालक गरुण लोक में, यदि शत्रु को लेकर हमारे राज्य में आओगे तो स्वागत इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। हनुमान, नाग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और तुम इस नाग बालक को हमारे यहां लेकर आए। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि नागों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु मेघासुर को मुक्त कर दिया है। क्षमा कर दीजिए महाराज जटायु, हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया तो कुछ नागों के कहने पर हमें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पंचफन का अपहरण मैंने? पंचफन का अपहरण? ये क्या बोल रहे हो नाग बालक तुम? अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको उनका अपहरण करते हुए देखा है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? नाग बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे ही गरुड़ राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हो। बस कीजिए सेनापति जी, ये मेरा मित्र है। महाराज, मुझे तो ये शंका हो रही है, ये धूर्त नाग हमारे सुरक्षित दिव्य पंख को चुराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नाग मात्र हमसे इसलिए परास्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे दिव्य पंख से इन्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य पंख से उड़ने की शक्ति? ये भी हो सकता है कि इस नाग ने इससे पहले भी हमारे पंख को चुराने का प्रयास किया हो। नहीं, या चुरा लिया हो। नहीं चित्रकेतु, वो दिव्य पंख हमारी कड़ी सुरक्षा में है, उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। दिव्य पंख? ये कौन सा पंख है? हनुमान, क्या तुम्हें दिव्य पंख के बारे में ज्ञात नहीं? नहीं, मुझे उस दिव्य पंख के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। हनुमान, उस दिव्य पंख में उड़ने की समस्त शक्ति, समस्त
उड़न तत्व निहित हैं। उस पंख से किसी भी दिशा में उड़ान संभव है। वायु हो या आंधी, उनके विपरीत भी उड़ने की शक्ति है उस पंख में। हाँ हनुमान, हम गरुड़ों के भांति जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, वो सब उसकी दिव्य शक्ति से भारहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे उड़ने की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है। और कोई जीव अगर उस पंख का संधान कर ले, फिर चाहे वो मनुष्य हो, मृग हो, अश्व हो या नाग आदि सारे सर्प, उन सबको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि उस पंख को कोई गरुड़ राज्य से चुरा लेगा, तो शने शने हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उड़ने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उस दिव्य पंख को हमें कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ता है हनुमान। और वो दिव्य पंख जिसे भी प्राप्त हो जाए, वो हम गरुड़ों की भांति ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। दिव्य पंख बहुत ही चमत्कारी और शक्ति से संपन्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा मित्र यहाँ गरुड़ लोक में उस पंख को चुराने नहीं आया है। महाराज, हमें चलकर उस दिव्य पंख का निरीक्षण कर लेना चाहिए, वो सुरक्षित है या नहीं। इन नागों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये नाग हनुमान का आश्रय लेकर यहाँ आया हो और अब पकड़ा गया है, तो पंचपन के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़ रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये सत्य है हनुमान? नहीं महाराज, ये किसी के भी आश्रय से नहीं आया है। इसे तो मैं और जितान तक यहाँ लेकर आए हैं। चित्रकेतु, हनुमान ने जो कहा उसपे हमें अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें हनुमान पर कोई अविश्वास नहीं है महाराज। हो सकता है कि हनुमान से छुपाकर ये हमारे दिव्य पंख को चुराने की इच्छा से यहाँ आया हो। मुझे तो दिव्य पंख को लेकर बहुत शंका हो रही है। सेनापति जी की बात हमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। उचित तो यही होगा महाराज कि हम अपने नेत्रों से दिव्य पंख को सुरक्षित देख लें। सारी शंका का समाधान हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि हमारे उस दिव्य पवित्र पंख की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी या नहीं? और हमारे दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। वो पवित्र दिव्य पंख हम गरुड़ों का गौरव है, हमारी शक्ति है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज देखिए ना, इन सब की यही इच्छा है। और फिर उस दिव्य पवित्र पंख का निरीक्षण करने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? उन दिव्य पंखों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा गया है, तो फिर कोई उन्हें कैसे चुरा सकता है? किंतु महाराज, ये नाग बड़े धूर्त और चतुर होते हैं। ये धरती के भीतर ही भीतर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम गरुड़ों को इसका भान तक नहीं होता। उचित तो यही होगा कि हम चल के उस दिव्य पंख को सुरक्षित देकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। बस ठीक है चित्रकेतु, मैं उस पंख का निरीक्षण कर लूंगा। धन्यवाद महाराज, आपने हम सबकी बात का सम्मान रखा, किंतु परिस्थितियां बड़ी संदेहास्पद हैं। इसलिए महाराज की सुरक्षा के लिए मैं आना चाहूंगा। मैं आपका सेनापति हूँ, आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। अवश्य सेनापति चित्रकेतु,
आप हमारे विश्वसनीय सेनापति हैं और सबकी सुरक्षा का भार आपके ही कंधों पर है। आप हमारे साथ चल सकते हैं। उचित है महाराज। हाँ, मुझे भी तो ज्ञात होना चाहिए कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा हुआ है। ये सेनापति चित्रकेतु जी बार बार दिव्य पंखों को देखने का हट क्यों कर रहे हैं? किंतु यदि मैंने महाराज जटायु को रोका और वास्तव में दिव्य पंख अपने स्थान पर नहीं हुआ तो समस्त नाग संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उचित तो यही होगा कि मैं सावधान रहूं और महाराज जटायु के साथ जाऊं दिव्य पंख देखने। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे साथ चलने की अनुमति देकर मुझ पर विश्वास जताया। महाराज जटायु, मुझे भी ले चलिए ना वहाँ। हनुमान भी बहुत उत्सुक हो रहा है उस दिव्य पंख को देखने के लिए। अवश्य हनुमान, तुम तो हमारे परम मित्र केसरी जी के पुत्र हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये उचित नहीं है महाराज। हनुमान वानर है और किसी बात नहीं। हनुमान हमारे लिए बाहरी नहीं है, उसका हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद महाराज। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, चलो। कि सेनापति चित्रकेतु जी चाहते क्या हैं? उन दुष्ट करुणों को पाठ पढ़ाने का समय यही है। यही समय है। उन करुणों को दंड देने का समय यही है। विस्तर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। प्रतिशोध लेंगे हम हर अन्याय का, अपने महाराज पंच फन के अपहरण का। अंत कर देंगे हम करुण राज्य के सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। दिव्य पंख की सुरक्षा तो और भी कड़ी होगी ना? वाली भैया, ये आप मुझे कहां लेकर आ गए? मैं तो आपको विश्राम कक्ष लेकर जाने वाला था। आपने वर्षों तक तप किया है, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। भैया, आप यहाँ किस लिए आए हैं? वाली भैया तो सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ये? क्या चल रहा है इनके मन में? इस सिंहासन के लिए यहां आया हूं सुग्रीव।
क्या किया आपने भैया? आपको इस प्रकार पिताश्री के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। ये अधिकार मात्र एक राजा का ही होता है। सत्य कह रहे हो तुम सुग्रीव, राजा को ही बैठना चाहिए। और राजा ही बैठा है यहाँ। तो ये है गुप्त रहस्य उस दिव्य पंख तक पहुंचने वाले मार्ग का। हाँ, यही वो रहस्यमय सुरंग है जिनका रास्ता दिव्य पंख तक जाता है। हनुमान चलो। रुको हनुमान, महाराज ने तुम्हें जाने की अनुमति दी है, इस नागभूषण को नहीं। इसलिए तुम्हें इसे बाहर ही छोड़ना होगा। सेनापति जी, ये मेरे साथ आया है, मेरा मित्र है ये। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी परिस्थिति में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हनुमान ठीक कह रहा है चित्रकेतु। अपने रहस्य शत्रुओं को नहीं बताए जाते हैं महाराज। और ये तो नाग पुत्र है, नाग हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इस नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेनापति चित्रकेतु ने इस नाग बालक को यहाँ छोड़कर हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। बहुत समय पश्चात एक नाग को खा के आनंद आएगा। यदि भूषण बाहर रहा तो इसके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? ही उसका उत्तरदायी होगा। उचित है, यदि मेरे मित्र से कुछ अनुचित हुआ तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। अब तो ठीक है चित्रकेतु, अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? चलिए सब मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद जटायु जी। मंत्री जी। जी महाराज। वन संघ के सभी राजाओं को मेरी ओर से आमंत्रण पत्र भेज दीजिए। पुत्रवाली को वन संघ का अधिनायक बनाने हेतु सबकी सहमति आवश्यक है, इसलिए सबका आना अनिवार्य है। सब आएंगे महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है।
युवराज बाली के आगमन से सब बहुत प्रसन्न होंगे और एक मत से युवराज बाली को अपना अधिनायक चुनेंगे। अब यह हास परिहास छोड़िए भैया, प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री इसी ओर आ रहे हैं। उनके आने से पूर्व ही आप इस सिंहासन से उठ जाइए। अरे वाह, ये करोड़ राज्य में इतनी बड़ी सुरंग। हनुमान कि तुम लोग बच गए। तुम्हें इस जगह की जानकारी नहीं है, तुम आगे मत चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। ध्यान रखना, यहाँ पग पग पर सावधान रहना है। यह हमारी स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया गया एक बार था, जो कि हमारे दिव्य पंख को रखने की गई एक व्यवस्था है। अब मेरा ध्यान से अनुसरण करो, जहां जहां मैं पांव रखूं वहां वहां अपने पांव रखना। अब आगे बढ़ते हैं जी। युवराज, ये क्या, आप सिंहासन पर, यह आपको शोभा नहीं देता। आप अभी युवराज हैं। युवराज नहीं, महाराज, आपके महानतम महाराज वाली। परिहास कर रहे हो पुत्रवाली? मेरे पश्चात तो तुम ही सिंहासन पर बैठने वाले हो, अतः भी वहां से उठो और अपना उचित स्थान ग्रहण करो। पिताश्री, यही सर्वोत्तम स्थान है मुझ महानतम वाली के लिए। हाँ, आप अवश्य अपने लिए कोई उचित स्थान ढूंढ कर ग्रहण कर लीजिए। वाली, ये राज सिंहासन है, राज्याभिषेक के पश्चात ही कोई इसे ग्रहण कर सकता है, अतः सिंहासन से उठो और सिंहासन की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। शक्ति और बाहुबल से भी राज सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं पिताश्री। बस वाली, बहुत हो चुका तुम्हारा ये हट। कदाचित तुम नहीं जानते कि ये राजद्रोह है, अतः वहां से उठो, अन्यथा मुझे अपने राज्य अधिकार का पालन करते हुए
तुम्हें दंडित करना होगा। पिताश्री, आंधियों के चलने से वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर्वत नहीं हिलते। बाली पर्वत है, उसे हिलाने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि यहां किसी को भी ज्ञात नहीं है कि महानतम वाली, वरदान प्राप्त वाली क्या कर सकता है। महाराज, ये हम कहां आ गए? आगे तो मार्ग ही नहीं है और वो दिव्य पंख भी नहीं है। यहाँ पर तो मात्र अग्नि की दीवार है। ये अग्नि भित्ति मात्र एक छलावा है, एक माया है, ताकि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले प्राणी इसमें प्रवेश ना कर सके। वास्तव में तो ये उस दिव्य पंख तक जाने वाला रहस्यमय द्वार है। तुम सब मेरे पीछे आओ। ये हमारे खग विद्या के मंत्र रक्षक आचार्य हैं हनुमान। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो महाराज जटायु। ये है हम गरुणों की दिव्य शक्ति, हमारे दिव्य पंख, जिन्हें 10 दिशाओं और 14 भवनों के केंद्र स्थल में स्थापित किया गया है। जिसके कारण हम गरुणों को 10 दिशाओं और समस्त भवनों के ऊपर समान रूप से उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। आश्चर्यजनक है ये सब। खग विद्या से इन्हें यहाँ स्थापित किया गया है हनुमान। इनके द्वारा प्रदान की गई उड़न शक्ति के द्वारा ही समस्त पक्षी वर्ग अनेक संकटों से मुक्त रहते हैं। मैं इस दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सुरक्षित था। मैं आश्वस्त था कि दिव्य पंख अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दिव्य पंख के अपने स्थान से हटते ही हम गरुणों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया ना चित्रकेतु जी, हमारा दिव्य पंख पूर्णतः सुरक्षित है। किंतु महाराज, आपको ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे हुआ? हनुमान, गरुण जी और अरुण जी संसार के प्रथम पक्षी हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। किंतु उड़ने की शक्ति केवल गरुण राज के पास ही थी। इसीलिए उन्होंने हम गरुणों के कल्याण के लिए अपने इस दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर हमें प्रदान कर दिया था।
अर्थात ये दिव्य पंख किसी के भी पास चला गया तो उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ हनुमान, पंख की शक्ति का संधान तभी हो पाएगा जब उस जाति के लोग यज्ञ द्वारा दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर इसको अपने पास रखें। और जब तक ये पत्र उनके पास रहेगा उनको उड़ने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। इस सुनहरे पत्र पर अंकित है उनका ये दिव्य मंत्र। लीजिए राजपुरोहित जी, इसे सुरक्षित स्थान पर पुनः रख दीजिए। हनुमान, दिव्य पंख और दिव्य मंत्र अपनी जगह सुरक्षित हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो। चलिए। नागवीरों, तीव्रता से बढ़ो गरुड़ राज्य की ओर। एक क्षण हनुमान। जटायु जी, अब तो आप आश्वस्त हैं कि नागों में से किसी ने भी दिव्य पंख नहीं चुराए। वो अपने रहस्यमय सुरक्षा स्थान पे सुरक्षित हैं। और वैसे भी कोई भी नाग इस स्थान के रहस्य से परिचित नहीं है। अब तो आप मेरे पिता श्री नागराज पंचभन को मुक्त कर दीजिए। तुम पुनः हमारे महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्या हुआ? प्रतीत होता है जैसे सर्प सूंघ गया हो सबको। यदि महानतम वाली ने अपने वरदान के बारे में बता दिया तो कहीं अचेत ही ना हो जाएं आप सभी। वाली, तुम्हें कोई भी वर प्राप्त हुआ हो किंतु तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है
जिसके लिए तुम्हें दंडित अवश्य किया जाएगा, और वो दंड मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। किस अधिकार से? राजा मैं हूं, मैं बैठा हूं किष्किंधा के राज सिंहासन पर। स्वीकार कर लीजिए पिताश्री कि अब आप राजा नहीं रहे। वाली पुत्र, तुम तो ऐसे ना थे। राज सत्ता, राज सिंहासन, प्रभुता, महत्वाकांक्षा सब करा देती है पिताश्री। वाली भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। सुग्रीव, बस वाली। उद्दंडता की सारी सीमाएं लांग चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। दंड मुझे? सूर्य को दीपक से जलाने का प्रयास करोगे या लोह को लकड़ी से काटने का? पिताश्री, अब इस संसार में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली के समक्ष दो पल भी टिक सके। महाबली कोकक, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। प्रणाम महाराज। युवराज, बाली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जी, यदि आपने शीघ्र ही महाराज पंचभान को मुक्त नहीं किया तो सारे नाग आक्रमण कर देंगे। और युद्ध कोई भी हो, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। बस बस महाराज, ये नाग बालक बार बार आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अन्य कोई होता तो अब तक उसका अंत कर चुके होते। सेनापति जी, अब ये नाग बालक हमारे दिव्य पंख के रहस्य को भी जान गया है। इस प्रकरण को हम गरुड़ सभा में ले जाएंगे। हाँ महाराज, वहाँ सभी गरुड़ निर्णय करेंगे कि इस नाग बालक को मुक्त करना उचित होगा या नहीं। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो इस नाग बालक के भाग्य का निर्णय गरुड़ सभा में ही होगा। जाने अब मित्र भूषण के साथ क्या होने वाला है गरुड़ सभा में।